हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं हम आज? TGT SST में यानी कि आपकी हिस्ट्री क्लास शुरू होनी है, यानी कि हिस्ट्री की NCERT शुरू होनी है, वो भी क्लास सेवन्थ की। हमने ज्योग्राफी की NCERT कवर कर ली, यानी कि क्लास सेवन्थ की आपकी पॉलिटिकल कवर हो चुका है, ज्योग्राफी कवर हो चुका है, अब होना है हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर है, तो आज पहले चैप्टर में देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो आपके परिवर्तन आए हैं और जो कहीं ना कहीं चित्रों के बारे में ये चीज़ें देखने के मिलती है, तो यानी हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन के पड़ताल के बारे में चैप्टर है। तो इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अब आनी आपके TGT एग्ज़ाम में, यानी कि TGT एग्ज़ाम में आनी बंद हो चुकी हैं। अब क्या है, एक तरह से आपको लगेंगी इम्पॉर्टेंट पर TGT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मानचित्रकार थे पहले, ये क्वेश्चन आपका पहले TGT में आता था, फिर आपका GK में तो हुआ नहीं पर TGT में आया था, पर कहीं ना कहीं अब चेंज हो चुका है। फिर आपका आता है ये क्वेश्चन, ये है 18वीं शताब्दी के आरंभ में गिबलोम द लिस्ले के एटलस नवो यानी के अनुसार उपमहाद्वीपों के बारे में बताया गया। तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो ये यानी कि नाम देके पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात कहाँ पर, एक क्वेश्चन और आता है यानी कि जो हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान यानी कि आपका हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए आजकल के आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में यानी भारत के अर्थ में मिलता है। 13वीं शताब्दी में जब यानी फारसी के इतिहासकार, जो फारसी के इतिहासकार कौन थे, जो सिराज थे, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको ये नाम लिख लेना है पूरा, मिनहाज ए सिराज के नाम से आपको मिलेगा। फिर आता है अमीर खुसरो के, यानी कि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी जो था यानी हिंदी के कुछ यानी कि समान है। कैसे, क्योंकि जो हिंदी जो शब्द था उन्होंने जो प्रयोग किया था उसी से कहीं ना कहीं आपका जो हिंदी से प्रयोग होकर हिंदुस्तान बना है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए किसने दिया था हिंदी शब्द, अमीर खुसरो ने। फिर आगे आती है कहानी विदेशी शब्द, यानी कि विदेशी कौन है, विदेशी क्या है, यानी कि संस्कृत का अंग ना हो वह विदेशी कहलाए, क्या कहलाए, संस्कृत का अंग ना हो वह विदेशी कहलाए। ऐसे व्यक्ति को हिंदी यानी कि परदेशी और फारसी में एक तरह से अजनबी कहा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आजकल वैसे पूछे तो ये जाते ज़्यादातर, पर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अभिलेखागार, एक होता अभिलेखागार हो और एक होता अभिलेख, यानी कि एक तो अभिलेख हो गए, फिर हो गया एक अभिलेख रखने वाला, और एक होता है जैसे कि आपके मान के चलिए एक तो हो गया आपका सोर्स, एक हो गया सोर्स रखने वाले जैसे लाइब्रेरी, और एक सोर्स को पढ़ने वाला, एक सोर्स को यानी कि संरक्षण करने वाला, ऐसे स्थान जहाँ पर यानी जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आजकल ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकार अभिलेखागारों होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिलेखागार। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है लिखावट, यानी लिखावट में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए लिखावट विभिन्न प्रकार की शैलियों से बन गया है, जैसे फारसी और अरबी। ठीक है, ये कठिनाई से आपको पता होना चाहिए, इसे छोड़ दीजिए। इसमें आता है यहाँ पर कि बाई ओर से कौन सी लिखी जाती है, दाई ओर से कौन सी लिखी जाती है। अब आता है नस्तलिक लिपि जो होती है बाई ओर से लिखी जाती है, वह वर्गाकार जोड़कर धारा प्रवाह में लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान है। फिर आता है सूक्ष्म स्तर लिपि, यानी कि ये दाएं ओर से लिखी जाती है, तो क्या है, शिक्ष स्तर, ये आपकी क्या है दाएं ओर से लिखी जाती है। दाएं ओर से बाएं ओर से आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरफ से लिखी जाती है, तो ये आपको क्वेश्चन हो गया इम्पोर्टेंट। फिर आती है यानी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार बर्नी ने अपनी क्या है वृत्तांत पहल बार 1356 में, और दूसरी क्या है उसने 2 साल बाद, दोनों के अंतर में कहीं ना कहीं इतिहासकारों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और पहली वाली कहीं ना कहीं एक तरह से जानकारी आजकल खो गई है, और दूसरी कहीं ना कहीं पुस्तकालय के विशेष संग्रह में कहीं दब गई कर रह गई है, तो ये आपको बताया गया है कि पहली कहीं ना कहीं खो चुकी है, इसके बारे में बताया गया है।
फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, फिर आता है प्रवासी। आपने गाँव में सुना होगा कि प्रवासी लोग हैं, ये प्रवासी लोग हैं, तो क्या है इसका प्रवासी का मतलब क्या? इसका तात्पर्य यानी तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वह वहाँ के रहने वाले लोग सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को से है। ठीक है, तो ये आपका प्रवासी क्या क्वेश्चन आता है। फिर आता है क्षेत्र और यानी क्षेत्र और यानी कि साम्राज्य के क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। तो यानी कि चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन यानी ग्यासुद्दीन बलबन की प्रशासन में संस्कृत प्रशस्त यानी संस्कृत प्रशस्त की बात हुई है। और कहीं ना कहीं इसमें क्या कहा गया है यानी कि इसमें एक विशाल साम्राज्य का शासन बनाया गया था जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गाजी यानी एक तरह से गजनी तक फैला था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आज एक तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका बताया गया है जैसे आपका सारा का सारा जैसे ये क्या है विशाल जिसे कहते थे विशाल भारत का एक मैप है जो कि आज के टाइम पर ये हट चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्या रह गया इसमें इस चैप्टर में। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यह आ गया संरक्षण, यहाँ से पूछा गया ये भी क्वेश्चन आपका कहीं यानी टेट में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन और TGT में भी आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। देखो एक हो गया सोर्स, एक हो गया लाइब्रेरी और एक हो गया संरक्षण करना। यानी संरक्षक क्या है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी भी कलाकार शिल्पकार विद्वान या अभिजात जैसी यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देखता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि आप हमारे संरक्षण में रहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो वही कहीं ना कहीं संरक्षक कहलाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। फिर आता है 19वीं शताब्दी के यानी कि मध्य अंग्रेजों इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश यानी कि युगों में बांट दिया। आपका क्या है जो तीनों युगों में बांटा है तो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश युग में आपका बांटे हुए देखने को मिलता है। तो ठीक है, इस चैप्टर में यही आपको देखने को मिलता है जैसे अतीत में विदेशी कैसे माने जाते थे, तो विदेशी कैसे माने जाते थे तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। पांडुलिपि का क्वेश्चन आपको 6ठी क्लास में मिला है तो आपको वहाँ से पता चलेगा पांडुलिपि क्या होती थी, ताड़पत्र पर क्या लिखे जाते थे, तो वही आपको पढ़ने की चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।